हेलो फ्रेंड्स, याम ग्राफिक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है मॉकअप। मॉकअप क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मॉकअप किस तरह से यूज़ करते हैं और मॉकअप किसे कहते हैं। हम फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर इत्यादि एप्लीकेशन में जो भी फ्लैट डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जिस तरह से यहाँ मैंने बताया है, उस एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन मतलब आपने डिज़ाइन जो क्रिएट किया है वो कस्टमर के सामने आप कैसे प्रेजेंट करेंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट या आपका डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा। मैंने आपके सामने एक हिबा टॉयज एंड गिफ्ट आर्टिकल का एक विजिटिंग कार्ड, ये फ्लैट डिज़ाइन है यहाँ पे, और उसके बाजू में राइट साइड में एग्जैक्ट उसका मॉकअप है, मतलब आपको दिख रहा है कि भाई प्रिंट के बाद कैसे दिखेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते, यहाँ पे एक लोगो है फ्लैट डिज़ाइन बनाया हुआ, उसको एग्जैक्ट आप 3D व्यू और प्रिंट होने के बाद या फिर इंस्टॉल होने के बाद कैसे दिखेगा, ये आपको यहाँ दिख रहा है। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते मैगजीन डिज़ाइन। आपने कोई मैगजीन डिज़ाइन क्रिएट की है और इसको कस्टमर को प्रेजेंट करना है कि भाई कुछ इस तरह से आपकी मैगजीन बनेगी। हम यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे अनमोल नमकीन की एक फ्लैट डिज़ाइन क्रिएट की हुई है। अब हम कस्टमर को फ्लैट डिज़ाइन प्रीव्यू करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट मेरी प्रोडक्ट पे ये प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मॉकअप के द्वारा कस्टमर अच्छी तरह से समझे इस तरह से हम इसको डिज़ाइन प्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा मॉकअप। तो मॉकअप यूज़ करने से कस्टमर को हम अपने डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मॉकअप का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया अच्छी तरह से, ये हमने 3-4 उदाहरण देखे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मॉकअप किस तरह से यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब हम जानते हैं किस तरह से मॉकअप यूज़ करते हैं। उसके लिए हम फोटोशॉप CS6 ओपन कर लेते हैं। अब हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मॉकअप, आपको बता देते हैं। ये रहा हमारा मॉकअप। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पे फ्री और प्रीमियम मॉकअप मिलते हैं, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, इसमें बहुत सारे मॉकअप आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूमा कंपनी का एक लोगो मॉकअप किया हुआ है। अब यहाँ पे जो लोगो अप्लाई है उसके राइट साइड में आप लेयर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो उसमें पहला ही बड़ा आइकॉन आपको दिखेगा, उसके ऊपर छोटा सा कॉर्नर में आप यहाँ लिखा हुआ भी है यो लोगो। यो लोगो का मतलब हमारा लोगो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे छोटे से कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आपका जो लोगो मॉकअप टेम्पलेट में यूज़ किया हुआ वो ओपन हो जाएगा, ओपन सोर्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लोगो है, हम जो लोगो को मॉकअप करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे। हमारा जो भी लोगो है उसको हम ट्रांसफर यानी कि PNG फाइल में सेव करेंगे, PNG या PSD, हमने यहाँ पे PNG बनाया हुआ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको हम जो पुमा का ओपन फाइल हुआ है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमने अपना लोगो यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब अपने हिसाब से इसके साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। अब जो टेम्पलेट में जो पुमा का लोगो है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब फाइल और जो हमने लोगो अप्लाई किया हुआ है उसको सेव कर लेते हैं। हम थोड़ा साइड में इसको करके आपको बता दें कि सेव करने के बाद एग्जैक्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फाइल में जाके हमने सेव किया।
इतना इफेक्ट ज़्यादा उतना उतना टाइम लेगा थोड़ा। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमारा लोगो मोकअप में अप्लाई हो गया है, कितना अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सब्जेक्ट हमारा मोकअप। आशा है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मोकअप किस तरह से यूज़ होता है और मोकअप किस किस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।